हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कैसे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक आसान आलू की सब्ज़ी की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे कलौंजी। और बारीक कटे हुए लहसुन। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्च। कड़ी पत्ता, और बारीक कटे हुए टमाटर। अब हम टमाटर को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। टमाटर अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे। आलू को मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम आलू को मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आलू अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। अब हम ढक्कन हटा लेंगे और थोड़ी देर ऐसे ही गैस को ऑन रख के पानी सूखने के लिए छोड़ देंगे।
और ये हमारी आलू की सब्जी बनके तैयार है। इसे हम अब सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और गर्मा गर्म चावल या फिर रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।